प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे। प्रशासन के पास आई जानकारी के अनुसार 5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान 1500 करोड़ से ज़्यादा सौगात काशी में को देंगे। इस दौरान BHU में MCH विंग क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी 500 से 600 प्रबुद्ध जनों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर भारत जापान दोस्ती के प्रतीक सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान जापानी दल भी प्रधानमंत्री के साथ होगा। सेंटर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अपने वाराणसी के दौरान 1500 करोड़ से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 744 करोड़ रुपये की 68 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और 829 करोड़ रुपये की 160 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने इन सभी परियोजनाओं को तोहफा ITBHU के ग्राउंड में जनसभा के दौरान ये सौगात देंगे। इस जनसभा में 5000 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी, जो कोविड प्रोटोकॉल के दौरान होगी। वाराणसी को जापान के सहयोग से बने हाईटेक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कोदोलिया पर बने मल्टी स्टोरी पार्किंग का उद्घाटन करेंगे। साथ में स्मार्ट स्कूल, गौरव पथ, रोरो क्रूज, 80 से राजघाट के बीच पर्यटन क्रूज, BHU में 100 बेड MCH विंग, ड्राइवर प्रशिक्षण के केंद्र, वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर बने ROB सहित अन्य योजनाओं का भी वो लोकार्पण करेंगे। बता दें कि 15 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां 1500 करोड़ से भी अधिक योजनाओं को देंगे वो तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है तैयारियों का निरीक्षण, जिसमें BHU IT का भी निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री 1500 करोड़ से ज़्यादा सौगात काशी को देने वाले हैं। इस दौरान BHU में MCH विंग क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 500 से 600 प्रबुद्ध जनों से बातचीत करेंगे। यहां पर भारत जापान दोस्ती के प्रतीक सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री। इस दौरान जापानी दल भी इनके साथ होंगे। योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 744 करोड़ रुपए की 68 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और 839 करोड़ रुपए की 160 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी इन सभी योजनाओं का तोहफा ITBHU के ग्राउंड में जनसभा के दौरान ये सौगात देंगे। इस जनसभा में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था कोविड प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी। पीएम जिन प्रमुख योजनाओं का लोक करेंगे, उनमें मुख्य है वाराणसी के जापान के सहयोग से बने हाईटेक कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कोदलिया पर बने हैं मल्टी स्टोरी पार्किंग, स्मार्ट स्कूल, गौरव पथ, रोरो क्रूज, 80 से राजघाट के बीच पर्यटन क्रूज, BHU में 100 बेड का MCH विंग, ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी गाजीपुर बने ROB सहित अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 15 जुलाई को वाराणसी पहुंच रहे हैं। इससे पहले सारी तैयारियां की जा चुकी है। जहां प्रधानमंत्री काशी पहुंचने के साथ ही प्रशासन के पास आई जानकारी के अनुसार 5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान 1500 करोड़ से ज़्यादा सौगात काशी को दे रहे हैं। पाँच सौ से 600 प्रबुद्ध जनों से बातचीत करेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, क्योंकि भारत जापान दोस्ती के प्रति सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान जापानी दल भी होगा, जहां सेंटर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया जो कुल परियोजनाएं हैं उसमें लगभग 750 करोड़ के
हमारे 78 कार्य हैं जिनका लोकार्पण होगा, जिनका लाभ उसी दिन से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और लगभग 200 से ऊपर कार्य हैं 850 करोड़ के, उनका शिलान्यास होगा जो भविष्य में पूरे होने हैं। कुल मिला के 1550 करोड़, इससे ऊपर की हमारी लगभग 300 से ऊपर परियोजनाएं हैं जिनका कुल लाभ यहाँ वाराणसी की जनता को मिलेगा। तो ये सारी परियोजनाएं एक ही कार्यक्रम में यहाँ जनसभा में रखी गई हैं। केवल रुद्राक्ष का जो उद्घाटन है वो रुद्राक्ष के ही कन्वेंशन सेंटर में रखा गया। रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाएंगे, ये भी है, पौधा लगाएंगे जी। रुद्राक्ष का कन्वेंशन सेंटर है और वृक्षारोपण का समय है, सीजन है, मानसून का टाइम है और वृक्षारोपण का अभियान पूरे स्टेट में चला है। उसी के प्रतीक स्वरूप रुद्राक्ष का ही पेड़ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के कैंपस में लगाया जाना प्रस्तावित है। और निश्चित रूप से रुद्राक्ष के नाम से रुद्राक्ष का ही पेड़ रहेगा और भगवान विश्वनाथ की नगरी है तो ये पूरी तरह यहाँ के सांस्कृतिक तारतम्य को मैच करते हुए ऐसा प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया। विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे क्या? वो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, जो कार्यक्रम है वो केवल जो परियोजनाओं का है या कोविड की तैयारियों के बारे में मार्गदर्शन देने का। सर 15 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है उनका? माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वाराणसी में कार्यक्रम है उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनसभा का आयोजन है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ पब्लिक के बीच में लोकार्पण और शिलान्यास वाराणसी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के किए जाएंगे। उस कार्यक्रम को BHU के IIT ग्राउंड में रखा गया है जो बहुत ही खुला हुआ ग्राउंड है और जहाँ पर सारे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सकता है। इसके उपरांत रुद्राक्ष के ऑडिटोरियम का लोकार्पण है जो कि भारत और जापान की मैत्री के सहयोग से बना है। उसके लोकार्पण के बाद BHU के अंदर ही डॉक्टर्स के साथ और अधिकारियों के साथ कोविड की तैयारियों के बारे में एक संवाद किया जाएगा। कुल मिला के ये प्रोग्राम सारे जितने भी हैं उनके बाद फिर वाराणसी से उनका डिपार्चर हो जाएगा। इन सभी तैयारियों को लेके सारी जितनी भी आवश्यक मूलभूत जो विभागों को तैयारियां करनी थी वो पूरी करने का कार्रवाई चल रही है और हमारा टारगेट है कि आज ये सारी तैयारियों को फाइनल करा दिया जाए। इसी के साथ जो विभिन्न प्रकार के गेस्ट्स आएंगे या जिन जिनको जनप्रतिनिधियों को जिन जिनको अब प्रतिभाग करना है उन सबको जानकारी दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज इसका समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं और तैयारियों के बारे में और आगे क्या मार्गदर्शन की अपेक्षित होगी वो मार्गदर्शन भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। जापानीज डेलीगेट्स या मेहमान भी आ रहे हैं? चूँकि रुद्राक्ष का जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर है वो जापान सरकार के सहयोग से बना है और जायका नाम की संस्था है उसकी फंडिंग से भारत सरकार के माध्यम से ये यहाँ वाराणसी में एक नई सौगात मिलने जा रही है। तो निश्चित रूप से जापान की एम्बेसी के लोग भी इसमें शरीक होंगे, उनकी एम्बेसी का कन्फर्मेशन आ रहा है और उनके एम्बेसडर्स या उनके जो अन्य बड़े अधिकारी होते हैं विदेश विभाग के उनका डेलीगेशन यहाँ पे आएगा और रुद्राक्ष के इनोग्रेशन के दौरान बाकायदा यहाँ पे उपस्थित रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका फीता काटना, इसका पत्थर का शिलान्यास करना और उनके जो हो सकता है कि जो जापान के कुछ वहाँ के बड़े प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि हों तो उनका कुछ रिकॉर्डेड भी यहाँ पे स्पीच आदि है वो जनता को सुनवाई जाए। सर एक अंतिम सवाल है, कितना देर वक्त बिताएंगे और कितने की सौगात देंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी हालांकि पूरा कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन संभावना ये है कि लगभग 5 घंटे का ये वाराणसी का विजिट होगा और 15 जुलाई को सुबह आके अपराह्न तक लगभग उनकी वापसी यहाँ से हो जाएगी। कितने की सौगात देंगे सर? जैसा कि 1550 है, ये कैसे बना, कितने दिनों में बना, क्या क्या फैसिलिटी है? करीब 2018 के मध्य में इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और अब जून 2021 में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। लगभग 3 साल की अवधि में कंप्लीट हुआ है। 186 करोड़ की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे नगर निगम की भूमि थी उसी पर बनाया गया। ये कन्वेंशन सेंटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारे वो एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से लेस है जो कि इस समय कहीं भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। सर छोटा सा उदाहरण है कि जो हमारा ये बिल्डिंग जो है अपने आप में कम्प्लीटली एनर्जी एफिशिएंट है। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड के हैं और ऑडिटोरियम में भी जो अकोस्टिक्स और ऑडियो वीडियो जितनी भी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फैसिलिटी वाइज ये इंडिया में किसी भी कन्वेंशन सेंटर के कंपैरिजन में 19वीं हो। सर एक सवाल है कि क्या ये भारत और जापान के जो मधुर रिश्ते हैं उसका भी प्रमाण बनेगा ये कन्वेंशन सेंटर? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि ये शुरू से ही जॉइंट कोलैबोरेशन
प्रोजेक्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्चुलाइज किया था। इसमें रुद्राक्ष नाम अपने आप में भारतीय संस्कृति का परिचायक है और जिसमें कंस्ट्रक्शन में जिस प्रकार की तकनीक यूज़ हुई है उसमें जापनीज सेंसिबिलिटीज़ जापनीज एस्थेटिक्स को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इसके निर्माण में इसकी परियोजना की सोच में और जिसके लिए प्रयोग होगा आगे चल के सभी में भारतीय संस्कृति सभ्यता और जापनीज संस्कृति सभ्यता को भी दोनों को साथ में लेकर चला गया। सर एक सवाल है सर कि कल प्रधानमंत्री जी के संग परसों जापान की डेलीगेट्स भी होने वाले हैं तो भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का जो भाव है उसमें क्या तैयारियां हैं उन डेलीगेट्स के स्वागत के लिए, कैसे आप लोग वेलकम करने जा रहे हैं? ये पूरा कन्वेंशन सेंटर जो हमारे जापनीज कस्टम्स हैं, वहाँ के आर्टिफैक्ट्स हैं, वहाँ की वेशभूषा है, कुछ खान पान की चीज़ें भी हैं, ये सभी चीज़ों के साथ यहाँ पे हम लोग तैयार रहेंगे जापनीज डेलीगेशन का भी वेलकम करने के लिए। और जैसे आपने कहा कि अतिथि देवो भव में ये सारी चीज़ें आती हैं और जब वो सामने हमारे देखेंगे कि वाराणसी में किस प्रकार से जापनीज सभ्यता को एक छोटे लेवल पे, क्योंकि अभी बहुत वृद्ध हम नहीं कर सकते सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद भी जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी तमाम जापनीज कार्यक्रम रखे जाएंगे और यहाँ पे एक्सपो भी प्लान किए हुए हैं। ऑलरेडी सबकी प्लानिंग है कि जापनीज़ जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जापनीज़ फूड है, कुजीन है, उनकी भी यहाँ पे मेला प्रदर्शनी इत्यादि लगाई जाएंगी। तो लगातार कल से शुरू करके ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा जिसमें तरह तरह से इंडो जापनीज़ कोलैबोरेशन का असर यहाँ पे दिखाई देगा। सर जापनीज़ फूड में कुछ खास भी होंगे, कुछ क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ नाम आपको पता है? जापनीज़ फूड में आप सभी लोग जानते हैं कि जापनीज़ फूड में कई सारे सूप्स होते हैं, स्पेसिफिक जापनीज़ और भी डिशेज़ होती हैं सुशी प्यारे, तो ये सारी डिशेज़ वगैरह हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सर 15 तारीख को क्या क्या कार्यक्रम होगा यहाँ माननीय प्रधानमंत्री? 15 तारीख को मुख्यतः इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का और उस कार्यक्रम में रुद्राक्ष को समर्पित किया जाए काशी की जनता को और देश को, मुख्यतः यही कार्यक्रम है, बाकी इसके सब शॉर्ट्स जो कि प्राइवेट होते हैं। कुछ प्रबुद्ध जनों से भी बैठक भी होनी है गए यहाँ पे, कुछ खास लोगों से मिलने भी वाले हैं प्रधानमंत्री? काशी के विशिष्ट जनों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, करीब 500 सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वे भी इस प्रोग्राम को साथ में अटेंड करेंगे और एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस रुद्राक्ष के कनेक्टिव सेंटर के इनॉग्रेशन को साझा करें। उनके वेलकम को लेकर के कोई कल्चरल प्रोग्राम हो कुछ जिस तरीके? बिल्कुल, लगातार इसमें वीडियोस इत्यादि रहेंगी जो चलती रहेंगी। बहुत बहुत सुंदर अंदर कन्वेंशन सेंटर है और जो ऑडिटोरियम में अनुभूति होगी वो वैसे ही होगी जो हम लोग कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी ऑडिटोरियम में बैठेंगे तो एक एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अनुभव होगा। थैंक यू सर।